हमारे राज्य के सभी गुप्तचरों को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। मैं जानना चाहता हूं कि वो दुस्साहसी कौन है जिसने बिना किसी आदेश के हमारे राजपुरोहित की पुत्री के साथ साथ हमारी पुत्री पर भी कुदृष्टि डालने की चेष्टा की है। प्रणाम कुमार। प्रणाम कुमार, क्या हुआ सभा में? क्या हमें मृत्युदंड मिलेगा? अगर पकड़े गए तो अवश्य मृत्युदंड मिलेगा। महाराज अत्यंत क्रोधित हैं। अब तुम दोनों बिना किसी की दृष्टि में आए हुए गुप्त मार्ग से राज्य छोड़कर निकल जाओ। अरे मूर्खों, एक दूसरे का मुख क्या देख रहे हो? अगर प्राण प्रिय है तो निकलो यहां से। चलो चलो, शीघ्र करो शीघ्र करो। चलो 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 चलो, शीघ्र करो, महाराज क्रोधित हुए हैं। अरे उधर किधर जा रहे हो? इधर आओ। दोनों इस मार्ग से निकलो यार। निकल। कहीं ये दोनों पकड़े ना जाए। यदि इनके कारण वासु और भार्गवी के विवाह में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वासु हम तीनों में से किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा। अब देखना मैं क्या करता हूँ, कैसे वासु का सत्य तुम्हारे बाबा के समक्ष लाता हूँ। ऐसा क्या करने वाले हो तुम? जान जाओगे। महाराज की जय हो। आपके आदेशानुसार राज्य के सभी गुप्तचर प्रस्तुत हैं महाराज। महर्षि भृगु, श्रीनिवास, कुमारी पद्मावती, आप तीनों ने उनका मुख देखा है। आप स्मरण करके बताइए कि इनमें से वो दो गुप्तचर कौन है जिन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। कुमारी पद्मावती, पहले आप जाइए और बताइए। मैं उन्हें केवल दूर से ही देख पाई थी, इसलिए स्पष्टता से नहीं कह सकती। किसी निरपराधी को दंड नहीं दिलवाना चाहती मैं। कोई बात नहीं राजन, मैं प्रयास करता हूं। क्या योजना है तुम्हारी श्रीनिवास? चिंता हो रही है? मत करो, क्योंकि मैं जानता हूं अब करना क्या है। सब ठीक कर दूंगा। निश्चित रूप से तो मैं भी नहीं कह सकता हूं कि इनमें से कौन है। मैंने उन्हें देखा तो था, किंतु केवल एक ही क्षण के लिए। श्रीनिवास, तुमने तो उन्हें भली भांति देखा था ना, उनका पीछा भी किया था। इन्हें देख के बताओ कि इनमें से कौन है। सत्य कहूं तो इनमें से कोई भी नहीं है। कोई नहीं? श्रीनिवास, वहां जाके भली भांति देखो। यहाँ इतनी दूर से इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि इनमें से कोई नहीं है? हाँ श्रीनिवास, ऋषि भृगु उचित ही कह रहे हैं। मुझे पता है कि इनमें से कोई नहीं है, मेरी बात का विश्वास कीजिए महाराज। किंतु श्रीनिवास, तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? क्योंकि बड़े लंबे समय तक मैंने उनका पीछा किया। पूर्णिमा की रात्रि थी, प्रकाश भी पर्याप्त था, तो उनके हाव भाव, उनकी चाल, उनकी मुखाकृति मैं सब भली भांति जानता हूँ। बड़े डरे हुए थे वो कि कोई कहीं से उन्हें पकड़ ना ले। इनमें से अवश्य ही कोई नहीं।
यदि श्रीनिवास कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं है तो जाने दो इन्हें। महर्षि भृगु, यदि इनमें से कोई नहीं है तो और कौन हो सकता है? हमारे राज्य के सभी गुप्तचर तो यहां उपस्थित थे। राजकुमारी पद्मावती, मुझे आप बताइए कि क्या कुल मिलाकर इतने ही गुप्तचर हैं हमारे राज्य में? और आपको क्या लगता है ऐसा कौन हो सकता है जो आप पर और भार्गवी पर दृष्टि बनाए रखना चाहता है? पिताश्री, यहाँ सारे गुप्तचर उपस्थित नहीं थे। वासु के गुप्तचर वो यहाँ प्रस्तुत नहीं हुए हैं। वासु ऐसा नहीं कर सकता पुत्री। अपनी ही बहन पर दृष्टि क्यों रखेगा वो? तुम्हारी सुरक्षा के लिए वो किसी रक्षक को भी भेज सकता था, किंतु गुप्तचरी नहीं, ऐसा नहीं कर सकता वो। किंतु पिताश्री, मुझे लगता है हमें एक बार उन्हें यहां बुलाना चाहिए। ठीक है सेनापति जी। महाराज, कुमार वासु के सभी गुप्तचरों को यहां प्रस्तुत करो। जो आज्ञा महाराज। अब वासु का दाह समाप्त और मेरी भार्गवी की प्रेम कहानी आरंभ। हम किसी प्रकार छुप छुपा के यहां तक तो पहुंच गए, लेकिन अब इन्हें कैसे चकमा दें? अब किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ये मूर्ख? रक्षकों की दृष्टि से बचकर भाग क्यों नहीं जाते? हम इन बोरियों में छुप जाते हैं। ये कर्मचारी स्वयं हमें बैलगाड़ी में बिठाकर बाहर निकाल देंगे और हम बच जाएंगे। ये सही है, आ जाओ। तुम दोनों को इसी क्षण हमारे साथ चलना होगा। महाराज का ये आदेश है। परंतु क्यों? हमने तो कुछ नहीं किया। हाँ, तुमने सुना नहीं? चलो ले चलो। देखिए, कोई भ्रम हुआ है। हमने तो देखिए, हम निर्दोष हैं। हमने चलो ले चलो। हमने कुछ नहीं किया। छोड़ दीजिए हमें। हमने कुछ नहीं किया। राजकुमार वासु पधार रहे हैं। क्या बात है बाला, तुम्हारे मुख का रंग क्यों उड़ा हुआ है? विस्तार से बताने का समय नहीं। संक्षेप में ये समझ लीजिए, महाराज ने आपके गुप्तचरों को पकड़वा लिया है। अगर उन्होंने सत्य बता दिया कि आपने ही राजकुमारी पद्मावती एवं भार्गवी पर दृष्टि रखने को कहा था तो नहीं 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 ऐसा नहीं होने दे सकते। मन नहीं मान रहा है कि वासु पद्मावती और भार्गवी के पीछे गुप्तचर भी लगा सकता है। किंतु यदि ये सत्य हुआ तो आशा कीजिए कि सत्य ना हो। राजन, उसी में हम सबका हित है। महाराज की जय हो। राजकुमार वासु के गुप्तचर प्रस्तुत है महाराज।